विदेह के राजा मिथि और उनके नाम पे बना मिथिलापुरी को विश्व भर में ख्याति प्राप्त है। साथ ही मिथिला की कला संस्कृति अत्यधिक लोकप्रिय भी है। राजा मिथि का जन्म उनके पिता के शरीर को मथ कर हुआ और उन्हें जनक के नाम की संज्ञा मिली। ठीक वैसे ही जन्म हुआ मिथिला पेंटिंग का। कला के मंथन से उत्पन्न ये मिथिला पेंटिंग एक तांत्रिक प्रतीक बनके मिथिला के हृदय में अपना स्थान बनाने में सफल रही। मिथिला के सभी सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठानों में कला का विशेष महत्व है, विशेषकर यहाँ की चित्रकला का। यहाँ सभी धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज में भीत देवता होते हैं, जिनकी उपस्थिति चित्र के रूप में अंकित की जाती है। मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति विवाद का विषय है। सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति रामायण काल से जानी जाती है, जब राजा जनक ने अपने कलाकारों को राम सीता विवाह अंकित करने का आदेश दिया। मिथिला नगरी में पूरे दीवालों पर कलाकारों ने राम सीता विवाह को अंकित किया। इसके बाद 11वीं शती में कर्नाटक वंशीय कायस्थ लोग मिथिला में आके बसे और उनके रीति रिवाजों में भी मिथिला चित्रकला की झलक मिलती है। सबसे पहले तो यह कायस्थों में ही था, इसके बाद ब्राह्मणों में आया और अनेक जातियों में प्रसार हुआ। इसके बाद 1934 के भूकंप में गिरी दीवारों पे सबसे पहले अंग्रेज ऑफिसर विलियम जी आर्चर को उसके भित्ति चित्र के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिथिला चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। खुदाई से प्राप्त मुद्राओं में अरिपन का आलेख मिला है। मिथिला पेंटिंग की शुरुआत रामायण के दौर से हुई थी। राम और सीता के विवाह के अवसर पर जनता ने राजा जनक के आवास पर अपने घरों और आंगन में ऐसे चित्र बनाए जिस पर मिथिला के संस्कृति की झलक थी। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग बिहार के दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी के साथ साथ नेपाल के जनकपुर आदि जिलों का ये फोक पेंटिंग माना जाता है। शुरुआती दौर में ये पेंटिंग घर और आंगनों के दीवारों पर बनाई जाती थी, फिर धीरे धीरे ये दीवारों के साथ साथ कपड़ों और कागजों पर भी बनाए जाने लगी। मिथिला चित्रकला सर्वप्रथम उंगलियों के द्वारा अरिपन के रूप में बनाया जाने लगा। इसमें मूलतः पहले प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था और प्रकृति से प्राप्त पौधों, पत्तियों, चारकोल, फलों के छिलके इत्यादि से नेचुरल रंग बनाए जाते थे और उसमें चित्र में प्रयोग होता था। अब धीरे धीरे समय के साथ एक्रेलिक कलर और एनामेल पेंट का उपयोग होने लगा है और विभिन्न प्रकार के ब्रशों का उपयोग कलाकार करने लगे हैं, जैसे कपड़ों पे फैब्रिक कलर और दीवारों पे पेंटिंग के लिए एनामेल कलर का यूज़ करने लगे हैं और तरह तरह के ब्रश अवेलेबल हैं अभी कलाकारों के लिए। पहले ज़माने में तो माचिस की तीलियों और धान के सीक के ब्रश का उपयोग हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे बहुत इसमें चेंज हुआ है मिथिला चित्रकला के बनाने की विधियों में। मिथिला क्षेत्र के औरतों द्वारा जारी किया ये मुहिम यहाँ के पुरुषों ने भी अपना लिया। इन पेंटिंग्स पर हिंदू देवी देवता और आम लोगों की जिंदगी के साथ साथ प्रकृति से जुड़ी पेंटिंग्स भी शामिल थी। इन पेंटिंग्स में सूरज, चंद्रमा, पनघट, तुलसी, शादी जैसे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। पहले ये पेंटिंग प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते थे, अब कृत्रिम रूप से तैयार सिंथेटिक रंगों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। मिथिला पेंटिंग का प्रमुख विषय वस्तु प्रकृति से जुड़ी चीजें होती हैं, जैसे मछली, पक्षी, तोता, मोर, हाथी इत्यादि प्राकृतिक जीव जंतु, सूरज, चांद, बांस का पेड़ इत्यादि का
उपयोग होता है। और मिथिला चित्रकला में जटिल ज्यामितीय पैटर्न की प्रमुखता है। और मिथिला चित्रकला के पांच शैलियों में बटी है। तांत्रिक, कोहबर, गोदना, कचनी, भरनी इत्यादि इसकी शैलियाँ हैं। और मछली, मोर और जीव जंतु का प्रयोग जो है सो फर्टिलिटी, डिवोशन और प्रेम का प्रतीक के रूप में उसका अंकित मिथिला चित्रकला में उसका अंकन किया जाता है। और इसमें हिंदू देवी देवताओं के इर्द गिर्द भी यह चित्रकला घूमती है, जैसे कृष्ण, राम, लक्ष्मी, दुर्गा, शिव आदि के आसपास भी इस चित्रकला का थीम है जो कि उसमें अंकित किया जाता है। १९७० में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसे लोक चित्र कला के रूप में भी मान्यता मिली और आज मिथिला पेंटिंग पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए मिथिला पेंटिंग कलाकार नित नए प्रयोग करते दिखते रहते हैं। भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर ये मिथिला पेंटिंग के पांच शैली हैं, जिसकी शुरुआत मधुबनी के कायस्थ और ब्राह्मण महिलाओं ने की थी। परंपरा की कोख से जन्मे उपजे इस कला का 1966 से पहले यह कला व्यवसाय से नहीं जुड़ी थी। 1970 में सबसे पहले इंदिरा गांधी ने इसे लोक चित्र की मान्यता दी और मधुबनी में भारत सरकार ने सबसे पहला विपणन केंद्र अपना चित्रकला का खोला। अल्प समय में ही यह कला अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने लगी। थोड़े दिनों में ही लगने लगा कि यह चित्रकला मिथिला की स्त्रियों और की दशा और दिशा बदल देगी, किंतु यह हो न सका। यह चित्रकला जो है मधुबनी के एक सीमित भाग में सिकुड़ के रह गई और कुछ खास जातियों के लोग ही इसको बनाने लगे। दूसरे जातियों में इसका प्रचार प्रसार होने में समय लगा। इस परिस्थिति में एक प्रमुख व्यक्ति जो कृष्ण कुमार कश्यप हैं, वो इसमें यूटिलिटी का उपयोग किया चित्रकला में। उन्होंने शिक्षण सामग्रियाँ विकसित की, किताबें बनाई और इसको मतलब इसमें कमाने का जरिया कैसे हो, स्त्रियां आए कर सकें, उसका तरीका निकाला और वस्त्र पे इसको उतारने का काम किया। 1982-83 से इसमें वस्त्रांकन शुरू हुआ और ये धीरे धीरे व्यवसाय का रूप लेने लगी। मिथिला चित्रकला इस तरह से वंचित लोगों के कमाई का जरिया बनने लगी। लेकिन इस चित्रकला में मधुबनी से जो कलाकार हैं वो चित्र में ज़्यादा हैं और वस्त्रांकन में दरभंगा में ही बहुसंख्यक कलाकार और कुशल कलाकार ज़्यादा दरभंगा में ही। मिथिला पेंटिंग के कई कलाकारों को अब तक पद्मश्री, बिहार रत्न और शिल्प गुरु जैसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। मिथिला पेंटिंग को सर्वप्रथम राजकीय स्तर पर 1969 में पहचान मिला, जब सीता देवी को राजकीय सम्मान बिहार सरकार ने प्रदान किया। इसके बाद जगदम्बा देवी को पहली महिला बनी जिन्हें 1975 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसका 2003 में सत्यनारायण लाल कर्ण और मोती कर्ण को भी संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। सीता देवी को 1981 में पद्मश्री तथा 1984 में बिहार रत्न और शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया। एक और बिहार रत्न हमारे बीच श्री कृष्ण कुमार कश्यप सर भी हैं। श्री कृष्ण कुमार कश्यप जी भी बिहार रत्न 2014 में उनको मिला है। महासुंदरी देवी को 2011 में पद्मश्री और गोदावरी दत्ता को हाल में ही पद्मश्री से नवाजा गया है। मिथिला चित्रकला इटली, फ्रांस तथा जापान के देशों में भी अपनी पहचान बना चुकी है और जापान में तो इसका म्यूजियम भी, मिथिला चित्रकला पे म्यूजियम भी है। और हाल में ही जापान सरकार ने अपनी रेल पे इसको करवाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, जिसमें बहुत से कलाकार यहाँ से जापान जाने वाले हैं
अपने बिहार में भी कई स्टेशनों और ट्रेनों पे इस मिथिला चित्रकला को सुसज्जित किया गया है। ट्रेनों को और स्टेशनों को मिथिला चित्रकला से सुसज्जित किया गया और धीरे धीरे इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रचार और प्रसार हो रहा है। मिथिला चित्रकला में सबसे मुख्य समस्या कलाकारों को है, जो कि कलाकारों का इसमें बहुत ज़्यादा शोषण है। नियम ये होना चाहिए कि कलाकारों को जो कोई भी सामान बिकता है 60% हिस्सा कलाकारों को मिलना चाहिए, लेकिन बीच में बिचौलिए के आ जाने से ऐसा नहीं हो पाता है। सरकार कलाकारों को लेके कोई समन्वित योजना संस्था के रूप में बनाए तो इसका बेहतर भी